और मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के पहले छतरपुर में अपराध बढ़ने लगे हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कट्टा लहराती हुई एक वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं कुछ ही दिनों पहले लगभग 7 से 8 देशी कट्टे भी पुलिस ने 8 आरोपियों से जब्त किए हैं। कल देर रात फिर एक और हत्या हो गई है। जानकारी के अनुसार हत्या बदले की भावना से की गई है। मृतक की बहू गुलाब शाह ने कहा कि 2016 में हमारे ससुर के द्वारा अपने मित्र के साथ लेन देन चल रहा था, लेन देन के चलते दोनों में विवाद हो गया और छीना झपटी भी हुई है। शेख वसीम खान की हत्या हो गई थी। हत्या के चलते 14 वर्ष की सजा काट रहे हमारे पति कादर खान और हमारे ससुर जहूर सतना जेल में बंद थे, जहां उन्हें 2 तारीख को 16 दिन की पैरोल पर छतरपुर आए हुए थे और 17 तारीख को वापस सतना जेल जाना था। तभी उनके ऊपर 3 से 5 फायर शेख इसाक ने चलाई और उनकी जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। अपने भाई शेख वसीम के खून का बदला खून से लेकर शेख इसाक ने जहूर खान की हत्या कर दी। हमारे ससुर की इस वजह घटना हुई है कि 2016 में लेन देन था पैसों का, तो छीना छपटी में गोली घल गई थी जहूर खान से वसीम को, है उसी में हमारे हस्बैंड को झूठा फंसाया गया था, सजा हो गई थी 14-14 साल की। फिर उसमें हमने पैरवल करवाई थी 15 दिन की, तो 15 दिन की पैरवल पे आए थे वो 2 तारीख को, और 2 तारीख को आए थे, उनको जाना था 16 तारीख को, लेकिन उससे पहले इसाक अली ने उनको मार डाला और हमारे पास फोन आया था कि हमें ग्रफ्सा हमें इसाक अली मार डालेगा। नाम के व्यक्ति हैं पर अभी गोली चलाई गई है, बेनीगंज वाले इसाक नाम के व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई है और उसको डेड हालत में लाया गया था। अभी उनके परिवार में तरफ से FIR मुलजिम को राउंड अप कर लिया गया। विवाद की वजह क्या थी? विवाद की वजह प्रथम दृष्टया पुरानी बुराई बता रहे हैं। ये जहूर नाम के व्यक्ति अभी जो इसाक नाम के व्यक्ति के भाई का मर्डर पहले हुआ था, तो उसी पुरानी बुराई को लेकर के गोली चलाई गई थी प्रथम दृष्टया।